ठगी के शिकार को टेलीकॉम कंपनी देगी 27 लाख रुपए। कंज्यूमर की सिम बंद कर दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर दी, उसने 5 दिन में 68 लाख रुपए किए पार। कंपनी पर लगा 27 लाख का जुर्माना। बात करें राजधानी जयपुर की। जयपुर के एक व्यक्ति से धोखाधड़ी का एक अनोखा मामला सामने आया है। पीड़ित के साथ धोखाधड़ी मोबाइल के सिम बंद करने के नाम पर की गई, जिस पर टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ 27.53 लाख का जुर्माना लगाया गया। दरअसल ये जुर्माना एक व्यक्ति को अलॉट नंबर को धोखे से बंद करने, फिर उसी नंबर को 5 दिन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट करने का मामले में लगाया गया है। राजस्थान में किसी भी टेलीकॉम कंपनी पर इस नियम के तहत जुर्माना लगाने का यह पहला केस है, जिसके ऑर्डर 2 दिन पहले ही जारी किए गए। शनिवार को मामला सामने आया। दरअसल कृष्णलाल नैन की सिम 25 मई 2017 को अचानक बंद हो गई। वो उस समय हनुमानगढ़ में थे। इस पर परिवादी ने हनुमानगढ़ स्थित कंपनी के स्टोर पर जाकर जब शिकायत की तो वहां बताया कि सिम पुरानी हो गई है, नई लेनी पड़ेगी। उस समय स्टोर से नया सिम कार्ड भी जारी कर दिया गया, लेकिन नंबर एक्टिवेट नहीं किया गया। कृष्णलाल के अगले दिन उसी स्टोर पर शिकायत की, लेकिन नंबर एक्टिवेट नहीं किया। इसके बाद 30 मई को आवेदक जयपुर पहुंचा। यहां अजमेर रोड स्थित कंपनी के स्टोर पर पहुंचकर नंबर एक्टिवेट कराने के लिए निवेदन किया। 31 मई को सिम एक्टिवेट भी हो गई। अगले ही दिन आवेदक को पता चला कि उसके IDBI बैंक से इन 5 दिनों के अंदर 68.5 लाख रुपए दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर हो गए, दूसरे व्यक्ति के नंबर पर जारी कर दिया गया। बैंक से पैसे निकालने की रिपोर्ट पुलिस में करवाने के बाद जब जांच हुई तो पता चला परिवादी के रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आने के बाद पैसे ट्रांसफर किए गए। ये नंबर है जो 25 मई को बंद हो गया था। उसी दिन अलवर में किसी भानु प्रताप नाम की IG वाले व्यक्ति को अलॉट करके चालू करा दिया गया। इस नंबर पर आए बैंक से OTP से 6 अलग अलग ट्रांजेक्शन किए गए। बैंक खाते से 68,50,000 रुपए की राशि दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई। मई 2020 में दर्ज करवाया परिवाद। जांच के दौरान पुलिस ने 44 लाख रिकवर भी कर लिए, लेकिन करीब 24 लाख रुपए बच गए। इसके खिलाफ पीड़ित ने मई 2020 में IT विभाग के प्रमुख को परिवाद दिया, जहां उन्होंने बताया कि कंपनी के कर्मचारियों की मिली भगत से पहले सिम बंद किया गया, उसके 5 दिन बाद सिम अलवर के भानु प्रताप के नाम व्यक्ति पर फर्जी IDसे सिम को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए चालू कर दिया गया। इस दौरान 5 दिन में कंपनी के अधिकृत स्टोर पर संपर्क करता रहा, तब भी वहां के कर्मचारियों ने यह नहीं बताया कि उनकी सिम अलवर के स्टोर पर चालू हो चुकी है। इसे देखते हुए IT विभाग के प्रमुख कंपनी को दोषी माना और परिवादी को 27.53 लाख का जुर्माने के तौर पर परिवादी को चुकाने के आदेश दिए हैं। IT विभाग के प्रमुख अधिकारी आलोक गुप्ता ने ऑर्डर में 10% ब्याज के साथ जुर्माना राशि चुकाने के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में टेलीकॉम कंपनी को दोषी माना गया है, जिसकी ओर से परिवादी के मोबाइल नंबर को किसी दूसरे व्यक्ति के नंबर पर अलॉट कर दिया गया। इस अलॉटमेंट के बाद दूसरे व्यक्ति ने परिवादी के खाते से 68.50 लाख रुपए निकाल लिए। खास बात यह है कि धोखाधड़ी के दौरान की गई राशि में 44 लाख रुपए तो परिवादी को मिल गए, लेकिन शेष बची रकम को टेलीकॉम कंपनी को चुकाने के आदेश दिए हैं। साथ ही आवेदन फीस और ब्याज की राशि भी देने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।